धर्मगीता का चौथा अध्याय सत्संग की महिमा। सिद्धार्थ महाराज जी कहते हैं कि अमर अखंड अरूप अकर्ता अखे देव परमेश्वर अकाल पुरुष उसका सबसे परे धाम है। आसमान धरती चंद्रमा सूर्य पवन पानी देवलोक मातृलोक और पाताल लोक सब लोकों की रचना उसने एक श्वास में रची है। उन्हीं का नाम देवता है, वही भगवान है, वही प्रभु है। उन सच्चे देव से मिलने का उपाय मातृलोक में एक सत्संग है। भगवान नाम उन्हीं का है जिसने यह त्रिलोक की रची है। सब जीव और देवता उसने बनाया है, केवल आत्मा सबसे परे है और सब घट का वासी है, अविनाशी है, अतल है। उस प्रभु से मिलने का उपाय एक सत्संग है। हे जोगी, मातृलोक में सत्संग के आश्रय हुए कई करोड़ हंस उत्तम पद में पुगे हैं। सत्संग उत्तम पद है। सत्संग से प्राणी संसार रूपी समुद्र से तिर जाते हैं। सब धर्मों में भगवान ने सत्संग मोटी मानी है। इस पुरुष पर भगवान की कृपा होती है और पूरे गुरु से भेंट होती है। फिर पिछले कोई बड़े पुण्य उदय होते हैं तो सुभागी पुरुष को सत्संग में वासा मिलता है। सत्य है, स्वर्ग के देवता, सतलोक के देवता, वैकुंठ के देवता, कैलाश के देवता और इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनकादिक सब देवता भगवान से विनती करके मातृलोक की सत्संग मांगते हैं और बार बार पुकारते हैं कि भगवान हमें सत्संग देने चाहिए। देखो, बड़े बड़े देवता सत्संग को मानते हैं, लेकिन मातृलोक में जो मनुष्य मूर्ख है वे सत्संग में प्रेम भाव से बैठेंगे भी नहीं, वे अभागी हैं। सत्संग नाम उन्हीं का है जहाँ भगवान की एक वाणी का उच्चारण है। वहाँ केवल आत्मा खुद संत विराजते हैं। बैठने वाले नर नारी श्रोता भगवान की वाणी गाते हैं या सुनते हैं तो प्रेम वश भगवान उनके रोम रोम में रम जाता है। सच्चे मन से और सच्चे चित्त से निष्पक्ष एक भगवान के नाम के आश्रय सत्य एक निज नाम का विनज व्यवहार है और वही एक श्वास भर का और पल छिन्न का सत्संग कोटि जुगों के पापों को भस्म कर डालता है। देवता लोग भी उसी भूमि को बार बार नमस्कार करते हैं जहाँ सत्संग होती है। जहाँ सत्संग होती है वहाँ अर्थ तीर्थ और चारों धाम आकर के उस भूमि पर लेटकर अपने तन के पाप धोते हैं और रज्जी मस्त पर मलते हैं जहाँ संत बैठे होते हैं। धरती आसमान के बीच में सत्संग धर्म का खंभा है, सत का सार खंभा है। अनादि काल में बड़े बड़े पापी लोग और दुखी लोग सत्संग के प्रताप से सदा सुखी बन गए हैं। तेरे योगी मुनि संत और अवतार भी सत्संग की महिमा मुख से वर्णन नहीं कर सकते। सत्संग अखंड है। हे जोगी, अमर देश, अखंडी देश जिसको वाणी पुकारती है उस देश में पुगने का मार्ग हंसों को सत्संग में मिलेगा। निर्गुण अमृत पिए बिना हंसों की कल्पना नहीं टूटेगी। निर्गुण अमृत सत्संग में ही मिलेगा। निराकार नाम की डोरी जपे बिना अमर आत्मा नहीं मिलेगी, परंतु निराकार नाम की डोरी भी हंसों को सत्संग में ही मिलती है। हे जोगी, उत्तम सत्संग बिना जीव 84 जूनी में भटकता फिरता है। जिस प्राणी ने मनुष्य जन्म पाकर नाशवान संसार की सुंदर मन मोहिनी माया में मोहित होकर के और सत्संग का त्याग कर दिया है, वे पुरुष नीच है। सत्संग की वे सार क्या जाने। मुख से ना तो कभी भगवान की वाणी कीर्तन गाई और ना कभी भगवान का कीर्तन यश कानों से सुना, वह प्रत्यक्ष पशु के समान है। मनुष्य जन्म को धूल में मिला दिया है। भगवान के नाम जपे बिना और सत्संग के शरण आए बिना ऐसे प्राणी दुख अग्नि में जुगो जुग जलेंगे। ये जोगी, सत्संग के शरण दुख रूपी अग्नि शांत हो जाती है। काल बलि तीनों लोकों में सबको खा जाते हैं, पर तो सत्संग के प्रताप से हंस काल के मुख से भी बाहर निकल जाता है। सत्संग में भजन रूपी वर्षा होती है, निज नाम रूपी बूंदे जाती है, फिर धीरे धीरे कल्पना रूपी अग्नि शांत हो जाती है। नुग्रे पापी प्राणियों को सत्संग पद नहीं मिलेगा। जिस पुरुष ने ज्ञान रूपी अमृत सुगमन द्वार नहीं पिया है और पल भर भी जिसकी काया सतमार्ग में नहीं ठहरी और जो पुरुष भगवान की कीर्तन सभा में कभी प्रेम भाव से बैठा नहीं, पुरुष अमोल ऐतोल रतन रूपी जन्म को रेत में मिलाता है। हे भाइयों, उसके समान कोई नीच और अधर्मी नहीं है। वह पुरुष प्रेत के समान, भूत के समान माता भूमि को पार से मारता है। हे जोगी, जैसे किसी वन में अग्नि लगी है और कोई अंधा या पंगड़ा अग्नि में जल रहा है और उसको कोई पुरुष बाहर निकाल करके सुखी करे और फिर अमृत का छिंटा डाल करके शांति देवे, वैसे ही सत्संगी पुरुष है। संसार एक वन है जिसमें चारों तरफ काल रूपी अग्नि जल रही है। सत्संग के प्रताप से पंगड़े के धर्म के पैर हो जाते हैं
और अंधे के ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं और वे भाग करके काल रूपी अग्नि से बाहर निकल जाते हैं। परंतु जो पुरुष काम क्रोध से भरा हुआ है और आशा तृष्णा के जाल में फंसा हुआ है, मूर्खता में भी सबसे बड़ा हुआ है, अपने आप की जिसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, हृदय कमल में सत और धर्म का विचार नहीं, जो पुरुष खाली पेट बनना जानता है, लोभ मोह में लिपायमान है, उन पुरुषों को मरे के समान जानो। जो पर उपकार से और दया से हीन है, वे प्राणी अंत में नरकवास पाएंगे। और जो पुरुष हाथों से पर उपकार करता है, गरीब दुखियों की पालना करता है और मुख से भगवान का भजन गाता है और भगवान के भक्तों की सेवा करता है, वह देव पुरुष है। जो सत्संग में बैठ करके तंत्र खोजता है, निज नाम का अभ्यास श्रुति और नूर्ति से करता है, वह निज नाम का भंडार भरेगा और वे आसानी से इस भव सागर से तिरेंगे। श्वास श्वास में भगवान को नहीं भूलेगा, वह अहंसा सच्चा अमर फल पाएगा। जिनका दुख रूपी संसार से तांता टूटा है, वह हंस जरा मरण के बंधन से छूटा है, सत्संग के आश्रय निर्वाण पद पाया है, जिनकी आंखें अजर नाम से डोरी लगी है। श्रीदादनाथ जी कहते हैं कि हे योगी, वे हंसा खुद निरंकार भगवान में मिल जाते हैं। सत्संग के प्रताप से वे हंस मोह माया में लिपायमान नहीं होंगे। भगवान का कहना है कि सब उत्तम कर्म और धर्म का मूल सत्संग है। मुक्ति द्वार की पहली पीढ़ी सत्संग है। मुक्ति के चार द्वार हैं: सत्संग, गुरु सेवा, विचार और अभ्यास। सत्संग बिना सच्चे गुरु का खोज भी नहीं मिलेगा, सत्संग के बिना आत्मा का विचार भी नहीं मिलेगा और सत्संग के बिना अभ्यास भी नहीं साध सकेंगे। सत्संग बिना न तो कोई मुक्ति पद पाया है और न कोई पाएगा। जिन हंसों ने आगे उत्तम पद पाया है और मुक्ति पद पाया है, वे सत्संग के प्रताप से और भी आगे लोग पाते रहेंगे। ये जो भी यह संसार एक ब्रह्म रूपी अंधकार गुफा है, जिसमें प्राणियों को कुछ नहीं दिखता। पढ़े लिखे लोग आंखों वाले गिने जाते हैं, परंतु नहीं, सत्संग बिना वे अंधे हैं। पढ़े लिखे क्या काम के, भूल गए निज संत, लाभनाथ निज नाम को खोजे बिरला संत। पढ़े लिखे मनुष्य एक पेट भरने का हुनर जानते हैं और माया इकट्ठी करने का उद्यम जानते हैं, उनके ही में अंधेरा है। सत्संग बिना अंत में दुख रूपी खाड में गिरेंगे। उनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। इस संसार में यह संसार एक अंधेर गुफा है और सत्संग प्रकाश रूपी है। सत्का दीपक और धर्म की बाती और शब्द का घी डालो, फिर सच्चा गुरु दीपक जगाने वाला हो तो अमर ज्योति प्रकाश होती है। जीव रूपी पतंगा उड़ करके अमर ज्योति में समा जाता है, फिर आवागमन में नहीं आता, निरंकार निष्कलंक देवता में मिल जाता है। है जो भी जिस पुरुष ने नर दे तो पाई है और कभी भगवान के भजन में प्रेम से बैठा नहीं और गुरु मुख से शब्द नहीं सुना, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, पापों से मलिन है, भगवान को भुला हुआ ऐसा प्राणी, जिसका हृदय विकार से भरा हुआ है और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, कपट दगे से पेट भरता है, जो पाप से माया जोड़ता है, वह कलयुग रूप नदी में डूबेगा। जो नर भगवान की भक्ति और धर्म की बाढ़ तोड़ता है, वह प्राणी चंचल चक्र में नीच धुनी पाएंगे, मनुष्य जन्म फिर नहीं पाएंगे। उनका भूमंडल पर लग 84 जूनी में जीव जाएगा। फिर ब्रह्मलोक में और पताल लोक में भगवान को बुले हुए कई करोड़ जीव दुख में फंसे पड़े हैं। 3 लोक और 14 भवनों में सत्संग बिना सुख शांति कोई नहीं है। सब रचना का दाता भगवान है, अंदर बाहर रमता हुआ सबसे परे है। उनके कई करोड़ नाम है, परंतु नाम और रूप से वे परे हैं। उनका वेद सत्संग में मिलेगा। अविनाशी देव और अखी आत्माओं से कहते हैं, वह अनामी देवता सत्संग बिना खोज में नहीं आएंगे। इसलिए जोगेश्वर, मुनेश्वर, संत, अवतार सब पुकार से हेला देते गए हैं कि बार बार सत्संग करो, अखंड भगवान को पाओगे। ये जोगी सत्संग में जो तन दुख पाएगा और जो धन खर्च होगा, वह भगवान के निमित्त होगा। भगवान निज धर्म सत्संग मानी जाती है। मातृलोक में जहाँ सत्संग होती है, वहां भगवान पधारते हैं। भगवान का वचन है कि मैं और कहीं नहीं मिलूंगा, सत्संग में मेरा वासा है। इसलिए पुरुष और स्त्री सच्चे मन से और सच्चे तन से सत्संग करो। सत्संग में निर्भय चित्त से बैठने से कोटि युगों के पाप और कोटि गुना भगवान माफी करते हैं। देखो, कर्म वृक्ष के नीचे बैठने वाले मनुष्य को मन इच्छित फल मिलता है, परंतु वे फल अंत में नाशवान है। लेकिन सत्संग में बैठने वाले हंसों को शांति फल, अटल फल और अमर फल मिलता है। सत्संग की शोभा अतोल अमाप है। पार्श्व लोहे को कंचन करता है, परंतु
सत्संग में हिंदू मुसलमान नर और नारी पापी धर्मी मलेच्छ चंडाल सब कंचन और पवित्र हो जाते हैं। यह जो कि भगवान की भक्तिहीन और सत्संगहीन मनुष्य की जो काया है वह पाप से बना हुआ पुतला पाप में फूट जाएगा। ये भाइयों भगवान के बंधन बिना काया कौन काम की है। काया और माया का भरोसा झूठा है। पल भर में देखते देखते काया रोगों में पीड़ित हो जाती है। जमदूत जीव प्राणी को काया से निकाल करके ले जाता है, फिर घर में माया के भंडार भरे पड़े हैं परंतु उस प्राणी के लिए झूठे हैं। फिर घर स्त्री पुत्र और कुटुंब के लोग कोई भी साथ नहीं दे सकते। जीव अकेला जाता है, परलोक में प्राणी का धर्म ही साथी है। मोटा बेटा जीव का पाप पुण्य है दो, लालनाथ अंधकार में आप करे फल हो। सत्संग में बैठ करके जो निज नाम को जपता है वह सत है, और हाथ से पर उपकार करते हैं वे संग है, और काया और माया का घमंड झूठा है। घर में लाखों चीज पड़ी है परंतु उस प्राणी के लिए झूठी है। ये जोगी सत्संग बिना सभी प्राणी कंगाल और घोर पशु के समान है। अंत में प्राणी अधम गति को पाते हैं। इस मातलोक में काल सरिया बंदा अकल का अंधा है, पर भीतर काया गंदी है। इसके ऊपर दिन रात काल घूमता है। काया काल के मुख में है, मौका पाते ही चने की तरह दांतों से काल काया को भांग गिरेगा, और भगवान के बदन बिना सब झूठी खटपट है। भाइयों पुरुष स्त्री छोटे बड़े मिलकर भगवान की वाणी जपो, सतो धर्म पर डटो, ज्ञान रूपी खड़ग उठा लो, दुख जंजालों को तोड़ डालो, कलयुग पापी को भूमंडल से भगाओ। ज्ञान बिना क्या मानवी पशु गिणे भावे भूत, लाघुनाथ सत्संग बिना दम मारेंगे जूत। सत्संग के आश्रय केवल आत्मा संग डोरी मिलाओगे तो परम पद को पाओगे। सिद्धार्थनाथ जी कहते हैं कि तभी सत्य में समाओगे, परंतु तुम भक्ति पद में कच्चे मत बनो, सूरमा हो जाओ। पर भर का संसार में जीवन है, सत्संग बिना वृथा दिन नहीं होना चाहिए। माया तुम्हारा संग नहीं करेगी, मित्र बनकर के धोखा दे जाएगी। माया को मेरी मेरी कहते हुए कई लाखों करोड़ों खाली चले गए। एक सत्संग मन को लगाओ, आत्मा देव को जगाओ, तब ऊंचे पद को पाओगे। जो पुरुष सत्संग बैठ करके भगवान की उपासना स्तुति करेंगे, फिर प्रेम डोर में मन सुरति को बांध कर घड़ी आदि घड़ी हरि कीर्तन में राम रस पिएगा, वह जुगो जुग जिएगा। जैसे कोई सुंदर नगरी है, जागृत नगरी है, राजा चतुर है और चोर डाकों का जोर नहीं चलता, वैसे सत्संग जागृत नगरी है। सत्संग नगरी में बसने वाले को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चोर नहीं लूट सकेंगे। सत्संग में जागे हुए हंसों को काल और मौत भी नहीं लूट सकेगी। सत्संग में जागे हुए जुगो जुग फिर नहीं सोएंगे और अखे नगरी में उगेंगे। ये जोगी भगवान की निज भक्ति सत्संग में मिलेगी। वाणी और वेदों का सार केवल आत्मा है। अमर आत्मा का वेद उत्तम संतों के मुख से मिलेगा। भगवान के भक्ति पद की महिमा अपार है और भक्ति पद की सार हंसों को सत्संग में मिलेगी। सत्संग को भूले हुए प्राणी निज नाम को नहीं पाएंगे। भक्ति पद से बेमुख जीव संसार कीच में कीड़ा होकर गिरेगा। अपने आपे के जाल में बंधे हुए ज्ञान नेत्र बिना अंधे हुए प्राणी सौसागर कुएं में गिरते हैं। ये जोगी संसार में भूल भारी है। प्राणी चारों धाम और अड़सठ तीर्थों में पाप धोने के लिए जाते हैं, परंतु ऐसे पाप नहीं धुपेंगे। मंदिरों में ठाकुर जी पूजने से तन के और मन के पाप नहीं धुपेंगे। जिस दिन से प्राणी तीर्थ यात्रा को घर से बाहर निकलता है उस दिन से मन चंचल हो जाता है। पाप धोने के लिए तीर्थों में जाता है परंतु चौगुने पाप अपने साथ ले आता है। तीर्थ व्रत कर भूल पड़े हिंदू पुरुष नरनार, लाघुनाथ सत्संग बिना कोई नहीं पुगे पार। जग में सत्संग सार है जो तारा में चंद, लाघुनाथ हरि नाम से टूटा जम का फंद। तीर्थ यात्रा में भटकने से धर्मात्मा नहीं बनोगे, मन बुद्धि हैरान हो जाएगी, ठगों से अपने पूंजी ठगवाओगे, फिर रत्न रूपी अमोल अपने श्वास वृद्धा खोगे। तुम अपनी उत्तम गति के लिए इधर उधर भागते हो या तुम्हारी भूल है। सत्संग में बैठ कर अंतःकरण शुद्ध करो, घर में ही मुक्ति है। कोई बुरा मत मानो, तीर्थों में चाहे कोई जन्म भर ना हो, परंतु जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उत्तम गति पाना कठिन है। हे भाइयों जहाँ तुम्हारा घर है वहां पर रहो, दिन रात बाल बच्चों के साथ रहो, घर का काम धंधा करो, परंतु संध्या सवेरे भगवान का नाम जपना चाहिए। फिर आधी घड़ी एक घड़ी या दो घड़ी निर्व्यसित से सत्संग में बैठना चाहिए और भगवान की वाणी का मन बुद्धि से विचार करना और अंत्यकरण शुद्ध होगा। घर बैठे तुम उत्तम पद को पाओगे। एक सत्य देव की पूजा बिना तुम सुखी नहीं बनोगे।
सच्चे देव का पता सत्संग में लगेगा तभी सत्संग बड़ी मानी जाती है। जो सत्य देव को पहचान करके भजन करेगा वह हंस जरा मृत्यु दुखों से छूटेगा। सब सुखों का मूल सत्संग है। भजन अमीर कीजिए सत्संगत में आए, लाभ नाथ हरि नाम से जीवन मुक्ति पाए। कुबद पाप हृदय बसे और सत्संगत में जाए, लाभ नाथ हरि नाम बिना नींद गमाई आए। सिद्धार्थनाथ कहते हैं कि जहाँ सत्संग होती है वहां देव पवित्र भूमि है। पृथ्वी के ऊपर और भीतर जो जीव मरे हुए हैं वे भी उत्तम मुक्ति को पा जाते हैं और भूत प्रेत भी शांति मुक्ति को पा जाते हैं। जहाँ तक भगवान की वाणी प्रेम से गाते हुए आवाज सुनने में जाती है वहां तक की भूमि उत्तम हो जाती है। भगवान का वचन है कि सत्संग में कलयुग का वश नहीं चलेगा। भगवान की वाणी प्रेम से गाने वाले और प्रेम से सुनने वाले देव पुरुष है। जिस घर सत्संग होती है वह घर मुक्ति का द्वार है। मनुष्य देह का भेद वही नर पाएगा तो सत्संग में बैठेगा, अंतर्चित भगवान में लीन करेगा, वह अखंड पद को पाएगा। सिद्धार्थनाथ जी बातें कि हे जोगी, मैं सत्संग में जागा हुआ चित आत्मा में लीन करके अखंड पद में गर्काब हुआ हूँ, और भी नर नारी जागो और मेरा मार्ग ढूंढो। सत्संग आदि काल से रची है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सत्संग करने वाले बैकुंठ को पाते थे, परंतु कलयुग में सत्संग करने वाले बड़ी मुक्ति को पाते हैं। कपट भाव को दूर निकाल कर जो सत्संग करेगा वह हंस बड़े फल को पाएगा। एक निज नाम बिना प्राणी अपना नाश आप करता है, खाली भाग भाग कर मर जाता है और हीरो को पत्थरों से फोड़ देता है। पाप में पूंजी गमाते हैं, सतमार्ग पर नहीं चलते, वे अभागी हैं। सतमार्ग बिना और भगवान के भजन बिना प्राणी अधम गति को पाता है। निज नाम हृदय धरो सब जागो नरनार, लाभनाथ सत्संग में कहते हेला मार। मातलोक में जिस घर द्वार भगवान के भगत अन्न पानी भोजन नहीं किया और जिस घर में सत्संग मंडली भगवान की वाणी कीर्तन नहीं गई वह घर अपवित्र है, और उस घर का चूल्हा और जो भोजन बनाने वाला स्थान है वह शमशान के जैसा है। उस घर में बसने वाले पुरुष कुत्ते के समान क्रोधी है। सत्संग को भूले हुए पापों में लिपटे हुए देखने के मनुष्य है उनका बर्ताव पशु के समान है। उनका स्वभाव और मन की वृत्ति भूत रक्ष के समान है। ऐसे पापी प्राणियों का प्रभात में मुख नहीं देखना चाहिए। जिस पुरुष ने जन्म सारा भगवान के भजन बिना खोया है उस मूर्ख ने हीरा समुद्र में फेंक दिया है। अंत में प्राणी दुख में रोएंगे, फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा। हे भाइयों, जब तक तुम्हारे हाथ में नरदेह है तब तक तुम सत्संग में जागो। कोड़ी के बदले हीरा मत ठगाओ, सत्संग रूपी गंगा में नहाओ। तुम्हारी धीरे धीरे कल्पना और तृष्णा बुझ जाएगी, संतोष रूपी अमृत पियोगे तो तुम्हारे चरणों में 9 रिद्धि और 12 सिद्धियां लौटेगी। सत्संग में जागे हुए हंसों के आगे बड़ी मुक्ति भी हाथ बिछाएगी। संसार में मायावान और पुत्रवान सत्संग के पुण्य से होते हैं। अन्न दान और कपड़े का दान, कन्या का दान और हाथ से दिया हुआ पुण्य मोटा है, परंतु नरकाया को सत्संग का धर्म मोटा है। सत्संग में जागे हुए हंस अखे नाम का डंका बजाएंगे और केवल आत्मा के संग मिलकर के अखंड पद में गर्काब हो जाएंगे। सब नरनारी चेतो जागो, सत्धर्म पर आओ, सुख में समाओगे। सत्संग सुग्रा करे जिनका मोटा भाग, लाजुना सत्संग बिना हंस नहीं सब काग। सत्संग में बैठकर जपो नाम के जाप, लाजुना सत्संग में मिले अखंडी आप। सिद्धार्थनाथ जी कहते हैं कि गुप्त से गुप्त और दूर जिस भगवान को वाणी और वेद पुकारता है वह अखंड भगवान सत्संग के प्रताप से निकट ही मिल जाते हैं। सत्संग का शब्द रूपी अमृत जिस पुरुष ने मन और बुद्धि से एक श्वास पर भी पी लिया है उन हंसों के सुखों की महिमा वर्णन में नहीं आएगी। अपार सुख में फूगे हैं वो। होम और यज्ञ में नहीं राजी होने वाला गणेश भगवान सत्संग में राजी होता है। सत्संग के प्रताप से हंस बड़े आनंद को लूटता है। सर्वचराचरी में बोलने वाला कर्ता पुरुष सत्संग में मिलेगा। हे भाई, सत वचनों को सत मानो, सत्संग में बैठ करके अपना